लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मुंबई लॉकडाउन के बीच शुरू हुए रियलिटी शो एंटरटेनमेंट नंबर वन के विजेता डांसर ने अयोध्या से अपने वीडियो बना बना कर अपलोड करते हुए ही शो जीत लिया। शो के होस्ट वरुण धवन ने उन्हें विजेता घोषित किया। शो जीतने के बाद अब बाबा को 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। गौरतलब है कि ये रियलिटी शो एंटरटेनमेंट नंबर वन फ्लिपकार्ट पर संचालित किया गया था। फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की रिलीज से पहले इस फिल्म के बारे में प्रचार प्रसार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वरुण धवन ने YouTube पर एक लंबी सीरीज चलाई थी, जिसमें वे तमाम ऐसे नाचने वालों को तलाश कर लाए थे जो सड़कों पर नाचते गाते हैं। इस बार अपनी फिल्म कुली नंबर वन के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट नंबर वन का आइडिया फ्लिपकार्ट को बेच दिया था। शो तो शुरू हो गया, लेकिन जिस फिल्म की हाइप के लिए ये शो बनने वाला था, वे फिल्म लॉकडाउन के चलते आगे खिसक गई, लेकिन शो नहीं रुका। अपने तमाम ब्रांड्स के साथ मिलकर वरुण धवन ने लॉकडाउन के दौरान ही ये शो बनाया और इसका मकसद रखा गया लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर अपने हुनर का प्रदर्शन। अपनी तरह के पहले स्टे एट होम शो का अब समापन हो गया है और वरुण धवन ने शो के विजेता के रूप में डांसर बाबा जैक्सन के नाम का ऐलान किया है। एक लॉकडाउन के दौरान बाबा जैक्सन उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में अटक गए थे और वहीं से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे थे। इस शो को जीतने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। बाबा जैक्सन का असली नाम युवराज सिंह है और वे जोधपुर के रहने वाले हैं। वह पहले भी रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके हैं। 8 हफ्ते तक चली इस प्रतियोगिता के विजेता का ऐलान करते हुए वरुण खुद भी काफी भावुक हो गए। वरुण कहते हैं, ये मेरा पहला शो था जिसकी मैंने मेजबानी की। शो में सारे प्रतिभागियों ने 8 हफ्ते तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। बाबा जैक्सन की वरुण ने काफी तारीफ की और इस बात पर अफसोस जताया कि वह चाहकर भी उन्हें खुद मुबारकबाद देने नहीं पहुंच पा रहे हैं। दैश एजेंसी।